सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ आठ, भविष्यवाणी। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान ए, जैसे कि पाठ का नाम है भविष्यवाणी, जिसका अर्थ होता है आगे होने वाली घटनाओं को बताना। तो आज हम इस पाठ में यही जानेंगे और सबसे पहले हम पाठ आठ भविष्यवाणी को पढ़ेंगे, तत्पश्चात उसमें आए कठिन शब्दों का अभ्यास भी करेंगे। तो चलते हैं, जानते हैं पाठ आठ भविष्यवाणी को पढ़कर। प्राचीन समय की बात है, एक बार पंडितों ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, देश में अगले 5 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। यह सुनकर सभी परेशान हो गए। दोबारा पढ़कर देखते हैं। प्राचीन समय की बात है, यहाँ प्राचीन का अर्थ है पुराना। एक बार पंडितों ने भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी का अर्थ है आगे होने वाली घटनाओं को बताना। उन्होंने कहा, देश में अगले 5 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। यह सुनकर सभी परेशान हो गए। बाकी का पढ़ते हैं। किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। वे सोचने लगे, जब बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? अगर बीज बोएंगे तो वे भी नहीं उगेंगे, सारी मेहनत बेकार जाएगी। दोबारा पढ़कर समझते हैं। किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। वे सोचने लगे, जब बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? अगर बीज बोएंगे तो वे भी नहीं उगेंगे। क्यों नहीं उगेंगे? क्योंकि बारिश नहीं होगी, सारी मेहनत बेकार जाएगी। अब देखते हैं आगे का। पर एक किसान हर साल की तरह हल और बैल लेकर खेत में पहुंच गया। फिर वह खेत की जुताई करने लगा। उसी समय ऊपर से घने काले बादल गुजर रहे थे। दोबारा पढ़कर समझते हैं। पर एक किसान हर साल की तरह हल और बैल लेकर खेत में पहुंच गया। फिर वह खेत की जुताई करने लगा। उसी समय ऊपर से घने काले बादल गुजर रहे थे। यहाँ गुजर का अर्थ है निकलना, या अर्थात वहां से निकल रहे थे। आगे का पढ़ती हैं। उन्होंने उस किसान को खेत में हल चलाते देखा। बादल रुककर किसान को काम करते देखते रहे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसान खेत में काम क्यों कर रहा है। दोबारा पढ़ते हैं। उन्होंने उस किसान को, किन्होंने? काले बादल ने, खेत में हल चलाते देखा। बादल रुककर किसान को काम करते देखते रहे। उन्हें आश्चर्य हुआ, आश्चर्य मतलब हैरानी हुई, कि किसान खेत में
काम क्यों कर रहा है। अब आगे देखते हैं। उसे तो मालूम है कि अगले 5 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा। वे बड़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। फिर उन्होंने एक बादल को किसान के पास भेजा। देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। उसे तो मालूम है कि अगले 5 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा। वे बड़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। फिर उन्होंने एक बादल को किसान के पास भेजा। अब आगे का पढ़कर जानते हैं। उसने वह किसान के पास आकर कहा, कहो भाई कैसे हो? किसने कहा? बादल ने कहा, किसान के पास आकर। तो पढ़ते हैं, उसने किसान के पास आकर कहा, कहो भाई कैसे हो? किसान बोला, ठीक हूँ भाई, तुम बताओ कैसे हो? बादल बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि अगले 5 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा? क्या बोला किसान ने बादल को देखकर? बोला, ठीक हूँ भाई, तुम बताओ कैसे हो? फिर बादल बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि अगले 5 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा? तो देखते हैं किसान ने क्या बोला। किसान ने जवाब दिया, पता है, अच्छी तरह से पता है। बादल ने फिर सवाल किया, फिर क्या कारण है कि तुम खेत में काम कर रहे हो? किसान ने क्या बोला? किसान ने जवाब दिया, पता है, अच्छी तरह से पता है। फिर बादल ने बोला, बादल ने फिर सवाल किया उस किसान से, कहा, फिर क्या कारण है कि तुम खेत में काम कर रहे हो? तो देखते हैं, जब पानी ही नहीं बरसेगा तो खेत में हल चलाने से क्या लाभ होगा? किसान थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम ठीक कहते हो। जब बादल ने क्या बोला, जब पानी ही नहीं बरसेगा, बादल ने किसान से बोला, जब पानी ही नहीं बरसेगा तो खेत में हल चलाने से क्या लाभ होगा? यहाँ लाभ का अर्थ है फायदा। फिर किसान थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं 5 साल तक खेत में काम नहीं करूंगा तो काम करना ही भूल जाऊंगा। इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूं। पढ़ते हैं दोबारा। लेकिन मैं 5 साल तक खेत में काम नहीं करूंगा तो काम करना ही भूल जाऊंगा। इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूं। अगला देखते हैं। बादल उसकी बात सुनकर चुप रहा। फिर उसने जाकर दूसरे बादलों से किसान की बात कही। बादलों ने आपस में विचार किया। एक बूढ़े बादल ने कहा,
भाइयों, किसान का कहना ठीक है। पढ़कर दोबारा समझते हैं। बादल उसकी बात सुनकर चुप रहा। फिर उसने जाकर दूसरे बादलों से किसान की बात कही। बादलों ने आपस में विचार किया। एक बूढ़े बादल ने कहा, भाइयों, किसान का कहना ठीक है। आगे पढ़कर जानते हैं फिर क्या हुआ। अगर हम 5 साल तक नहीं बरसेंगे तो बरसना भूल जाएंगे। चलो हम बरसें। बादल रिम झिम बरसने लगे और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदी नालों में बाढ़ आ गई। चारों तरफ हरियाली छा गई। पढ़कर दोबारा समझते हैं। अगर हम 5 साल तक नहीं बरसेंगे तो बरसना भूल जाएंगे। चलो हम बरसें। बादल रिमझिम बरसने लगे और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। यहाँ मूसलाधार का अर्थ है मोटी धारा। मोटी धारा में जो वर्षा होती है ना, उसे कहते हैं मूसलाधार। नदी नालों में बाढ़ आ गई। चारों तरफ हरियाली छा गई। हरियाली का अर्थ है हरा भरा। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा? तो जानते हैं हमने इस पाठ को पढ़ने के बाद कठिन शब्द। सबसे पहला कठिन शब्द है प्राचीन। नंबर 1 पे है प्राचीन और नंबर 2 पे है पंडितों। नंबर 2 पे क्या है? पंडितों। नंबर 3 पे है भविष्यवाणी। नंबर 3 पे है भविष्यवाणी और नंबर 4 पे है वर्षों। नंबर 4 पे क्या है? वर्षों। नंबर 5 पे है बारिश। नंबर 5 पे है शब्द बारिश। छठे नंबर पे है फसल। छठे नंबर पे है फसल। नंबर 7 पे है आश्चर्य। नंबर 7 पे है आश्चर्य। नंबर 8 पे है उन्होंने। नंबर 8 पे है उन्होंने। नंबर 9 पे है हरियाली। नंबर 9 पे है हरियाली। नंबर 10 पे है गुजरना। नंबर 10 पे है गुजरना। नंबर 11 पे है लाभ। नंबर 11 पे है लाभ। नंबर 12 पे है मूसलाधार। नंबर 12 पे है मूसलाधार। नंबर 13 पे है पांच। नंबर 13 पे शब्द है पांच। नंबर 14 पे है किसान। नंबर 14 पे है किसान। नंबर 15 पे है रिमझिम। नंबर 15 पे है रिमझिम। नंबर 16 पे शब्द है परेशान। 16वें नंबर पे है परेशान। 17वें नंबर पे है जुताई। 17वें नंबर पे है जुताई। 18वें नंबर पे है
बैल, 18वें नंबर पे है बैल। 19वें नंबर पे है बाढ़, 19वें नंबर पे है बाढ़। 20वें नंबर पे है बादल, 20वें नंबर पे है बादल। तो आपने अभी पाठ 8 में कठिन शब्दों को जाना, तो अब आपका गृह कार्य क्या रहेगा जानते हैं। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य रहेगा, कक्षा में कराए गए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखो। याद दिया मैंने, कक्षा में कराए गए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखो। अभी जो मैंने आपको कठिन शब्द कराए हैं, उसे आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तो जानते हैं किस प्रकार लिखना है। तो आपके गृह कार्य में जो काम दिया है मैंने, वो थे कठिन शब्द। तो उसे जब आप करेंगे, तो सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में दिनांक लिखना इस प्रकार, और जो आज आपका दिनांक है उसे यहाँ पे लिखना। उसके बाद लिखना दिन, अर्थात वार जो है, जैसे सोमवार मंगलवार होता है ना, इस प्रकार। फिर आपको लिखना है पाठ 8 भविष्यवाणी। उसके बाद आपने एक रेखा लगानी है। उसके बाद आपको लिखना है कठिन शब्द। फिर जो 20 कठिन शब्द मैंने अभी आपको कराए हैं, ये वे 20 कठिन शब्द हैं जिन्हें मैं आपको एक बार दोबारा पढ़कर बता रही हूँ। तो सभी देखें, पहला शब्द मैंने बताया था प्राचीन, दूसरा है पंडितों, तीसरा शब्द है भविष्यवाणी, चौथा शब्द है वर्षों, पांचवा शब्द है बारिश, छठा शब्द है फसल, सातवां शब्द है आश्चर्य, आठवां शब्द है उन्होंने, नौवां शब्द है हरियाली, 10वां शब्द है गुजरना, 11वां शब्द है लाभ, 12वां शब्द है मूसलाधार, 13वां शब्द है पांच, 14वां शब्द है किसान, 15वां शब्द है रिमझिम, 16वां शब्द है परेशान, 17वां शब्द है जुताई, 18वां शब्द है बैल, 19वां शब्द है बाढ़, 20वां शब्द है बादल। तो यह आपके 20 कठिन शब्द हैं। इन्हें जब आप लिखेंगे, तो आप ध्यान देना कि आप लिखने के बाद दोबारा अपनी कॉपी में चेक करना, कहीं आपसे कोई मात्राओं की गलती नहीं हो गई हो। और इस बात पर भी ध्यान देना कि आपका लेख कैसा होना चाहिए, सुंदर। तो आपका लेख सुंदर अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अपना गृह कार्य समझ आ गया होगा। धन्यवाद।